तो यह है तुम्हारे सामने एक कंप्लीट स्ट्रेटजी इंग्लिश की। हाँ यार देखो, लास्ट के इन कुछ दिनों में गाइस अगर तुम इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। क्यों? क्योंकि यार देखो, मैंने खुद इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके गाइस यहाँ 90+ स्कोर किया है। कैसे? तो यार देखो, ये मैं तुम्हें एक कंप्लीट स्ट्रेटजी दूंगा, बताऊंगा कैसे, कौन कौन सी चीज़ तुम्हें लास्ट के कुछ दिनों में फॉलो करनी है। तो यार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? तो गाइस देखो, यहाँ आपने सामने दिन बचे हैं काफी कम, लेकिन यार देखो, मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश के लिए दिन आपके लिए काफी हैं, क्योंकि गाइस यहाँ मैं तुम्हें बिल्कुल फुल मार्क्स वाली स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो यार देखो, वो तुम्हें कैसे लाने हैं उसके लिए ध्यान से सुनो। जो तुम्हारा पेपर होगा गाइस, वो हमें पता है कि हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, ठीक है? तो यार देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि जिसकी तैयारी गाइस आप अपने घर से करके जा सकते हो, वो है सेक्शन सी, लिटरेचर पोर्शन। हाँ यार देखो, इसके जो 40 मार्क्स है गाइस, वो आपके हाथ में बिल्कुल है, अभी है। कैसे? तो यार देखो, वो है आपके गाइस, आपके जो चैप्टर हैं उनके बेसिस पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है उनके बेसिस पे। हाँ यार देखो, अपने जो बाकी के 40 मार्क्स हैं वो डिपेंड करता है गाइस आप जो बेसिकली उस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है? क्योंकि गाइस वहाँ राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, उन्हें अगर तुम अच्छे से वहाँ उस समय परफॉर्म करोगे तभी अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है? लेकिन ये जो 40 मार्क्स लिटरेचर पोर्शन के, वो कम्प्लीटली डिपेंड है गाइस आपके चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पे। तो यार चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, वन शॉट लेक्चर लगाओ। हाँ यार, चाहे तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है इंग्लिश, या गाइस तुम्हारी इंग्लिश चल रही है, तुम रिविजन करना चाहते हो, यार देखो, तुम वन शॉट लेक्चर से अच्छे से सभी कंसेप्ट को समझो, देन गाइस यहाँ तुम्हारे पास जो भी सैंपल पेपर है उससे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। हाँ यार देखो, जो सैंपल पेपर में लिटरेचर पोर्शन वाले क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उन्हें पढ़ो, सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि यार देखो, तुमने स्टोरी तो पढ़ी है, स्टोरी तुम्हें सब इस समय सब बच्चों की स्टोरी पता है, लेकिन गाइस यहाँ मेन बात आती है, आप जो अपना आंसर लिखते हो, उस आंसर जो आप लिखते हो उस पर ध्यान दो कि आप उसे कितना अच्छे से लिख पाते हो। उसके लिए गाइस इंपॉर्टेंट है कि तुम जितने रिविजन्स यहाँ से, जितनी बार गाइस इन वीडियोज से, या किसी भी चीज़ से गाइस आप यहाँ चैप्टर को समझ सकते हो, समझो, ठीक है? तो यार देखो, ये अपने सेक्शन सी के जो कि गाइस अपना लिटरेचर पोर्शन है, उसके 40 मार्क्स यहाँ पक्के हो जाएंगे, आप ये मार्क्स अपने घर से लेके जाओगे। हाँ यार देखो, यही चीज़ मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ कि ये सेक्शन सी के मार्क्स आपको कैसे पक्के करने हैं। देन गाइस, सबसे मेन बात, वो 40 मार्क्स जो कि काफ़ी स्टूडेंट जिनके कभी भी इसमें फुल लाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो यार देखो, यहाँ मैं तुम्हें ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे यार मतलब एक ऐसी ट्रिक है जो कि कभी भी तुम्हें बिल्कुल भी नीचे नहीं जान देगी इस 40 मार्क्स में। हाँ यार देखो, ये जो अपने सेक्शन ए और सेक्शन बी के गाइस 40 मार्क्स मिला के हैं, ये कैसे तुम्हें लाने, सबसे पहले गाइस बात करते हैं सेक्शन ए की जो कि अपना रीडिंग सेक्शन। तो देखो, इसमें आपके सामने 2 पैसेज आएंगे, ठीक है? तो यार देखो, इनमें जो सेकेंड वाला पैसेज है वो बहुत आसान होता है, उनमें तुम्हें क्या करना है, तो देखो तुम्हें ना अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की भी ट्रिक पता होनी चाहिए, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या? देखो, जो अपना सेकंड वाला जो पैसेज आएगा गाइस, उसमें तुम्हें पहले क्वेश्चंस क्रिएट करना है। हाँ यार देखो, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, भैया पहले पैसेज को पढ़ें या क्वेश्चंस को करें, तो सेकंड वाले में जो है तुम्हें पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन गाइस अपने पैसेज पे जाना है। क्यों? क्योंकि गाइस ये है अपना फैक्चुअल पैसेज, मतलब इसमें गाइस आपको फैक्ट या फिगर्स आपको ज्यादा दिखेंगी, जिससे आप बेसिकली अगर क्वेश्चन को देखते हो उसमें, उसके बाद गाइस आप पैसेज को देखते हो, तो तुम डेफिनेटली बहुत अच्छे से आंसर ढूंढ पाओगे। लेकिन क्या भैया, ये ट्रिक काम करेगी पैसेज वन में? तो यार इसका आंसर नो। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, जो अपने पैसेज वन है जो कि डिस्क्रिप्सिव पैसेज है, तो गाइस उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम एक बार अपने जो पूरा पैसेज है उस पर नजर डाल लो। हाँ यार मतलब एक उसके कुछ की पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लो, उसमें समझ जाओ कि इसमें कहना क्या चाहता है, ये है बेसिकली किस बारे में, ठीक है? अगर ये चीज तुम समझ जाते हो, देन उसके बाद गाइस क्वेश्चन को पढ़ते हो, तो तुम डेफिनेटली बहुत अच्छे से इन सभी के आंसर्स कर पाओगे। हाँ यार देखो, क्वेश्चंस का लेवल, पैसेज जो होगा पैसेज का, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, सैम्पल पेपर में तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, ऐसा स्पेस बेसिकली करते भी है कि वो थोड़ा सा हार्ड पैसेज आपको सैम्पल पेपर में, प्रैक्टिस पेपर में देते हैं, लेकिन बोर्ड में इससे आसान ही आता है, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है? बस यहाँ इंपॉर्टेंट होगा गाइस आपकी प्रैक्टिस। हाँ यार देखो, 2-3 पैसेज जितना आपने डेली के या डेली नहीं भी कर पा रहे हो, तो हर 2-3 दिन 3 दिन में गाइस उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अच्छे से जितने पैसेज करोगे उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बाकी पैसेज में इतना कुछ टफ होता नहीं है, अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है? देन गाइस देखो, यहाँ बात आती है आपके राइटिंग सेक्शन की, ठीक है?
ग्रामर पे हम आएंगे क्योंकि गाइस उसके लिए कुछ स्पेशल बातें मुझे तुम्हें बतानी है। लेकिन यार देखो अभी राइटिंग सेक्शन में तुम कैसा अच्छा स्कोर करोगे, तो उसके लिए गाइस देखो बेसिकली तुम्हें फॉर्मेट सबके पता होना चाहिए। लेटर का क्या फॉर्मेट है, एनालिटिकल पैसेज जो है गाइस उसका क्या जो बेसिकली फॉर्मेट है वो तो तुम्हें अच्छे से पता होने ही चाहिए। साथ ही साथ गाइस आपको अपनी थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग भी वहाँ करनी है। हाँ यार देखो जो अपना राइटिंग सेक्शन होता है उसमें टीचर आपकी क्रिएटिविटी देखता है, उसमें फुल मार्क्स लाने के लिए गाइस आपके ग्रामेटिकली पूरा जो पैसेज है वो अच्छे से करेक्ट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों का डाउट होता है क्या मैंने पूरी 100% ग्रामर अच्छी नहीं लिखी, क्या मुझे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे? तो यार देखो मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा बेसिकली फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ जो तुम अपना आइडिया उसमें देना चाहते हो वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें कैसे होंगी, तो यार देखो कोई भी सैंपल पेपर उठाओ, वहाँ से गाइस एक दो पैसेज के क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखो। हाँ यार देखो जो हमारा बेसिकली हमें सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखे हैं वो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आते। ठीक है, तो यार पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखो, देन गाइस उस पैसेज को करो। ये कैसे होगा, सिर्फ यार तुम्हारी प्रैक्टिस से। ठीक है, इसके लिए मैं तो अभी एक अगली वीडियो दूंगा जो कि गाइस आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे तुम जो अपने राइटिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हाँ यार देखो यहाँ अब गाइस बात करते हैं अपने जो कि है ग्रामर पोर्शन की, उसके लिए गाइस मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना के दे दी है। इसमें अपने सभी टॉपिक्स तुम देख सकते हो, इन्हें तुम्हें देखना है, इन सभी जो वीडियोस है गाइस इन्हें देखो, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ो जो कि तुम्हारे ग्रामर में है। ये पूरा कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ इस चैनल पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ग्रामर का यार बिल्कुल पक्की वाली तैयारी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ग्रामर में कभी भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, लेकिन यार ये गलती तुम्हारे साथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि गाइस यहाँ मैं तुम्हें ऐसे ग्रामर की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि तुम्हें कभी भी इंग्लिश में नीचा स्कोर नहीं देखने देगी। हाँ यार देखो ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये सभी वीडियोज़ देखो। साथ ही साथ गाइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो तुम्हें करते हुए ही चलनी है। ठीक है, तो यार देखो यहाँ मैंने तुम्हें बता दिए कैसे तुम्हें ये वाले 40 मार्क्स जो कि गाइस अपने सेक्शन ए और बी के हैं वो तुम्हें पक्के करने, साथ ही साथ गाइस जो तुम अपने घर से पक्के करके जाओगे सेक्शन सी के। हाँ यार देखो घर से मैं इसलिए कर रहा हूँ गाइस ये आपके हाथ में है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, कुछ नहीं है, इन्हें बस 2-3 दिन लगते हैं। तो बस इन सभी बातों का ध्यान रखो और कमेंट में बताओ यार कि तुम्हें बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इंग्लिश में कौन सा पोर्शन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, उसे गाइस कमेंट करो। मिलते हैं यार ऐसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।